नमस्कार, आईबीएन 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं, जहां आपको बता दे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके लिए एक डेलीगेशन की नियुक्ति जो की जानी है। हरियाणा से लगभग 200 नाम तय होने हैं और उस डेलीगेशन के तय होने से पहले ही हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक कहे जाने वाले रोहतक से इसके खिलाफ बगावती सुर उठ गए। और बगावती सुर उठाने वाले और कोई नहीं, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा है, वो हमारे साथ हैं। ऐसा क्या हुआ सर कि आपको बगावती सुर उठाने पड़े अपने ही पार्टी के खिलाफ? देखिए, मैं करीब 48 साल पहले मैं कांग्रेस की स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य था। आज मैं हरियाणा का सीनियर मोस्ट कांग्रेसी हूँ। 11-12 स्टेट प्रेसिडेंटों के साथ मैंने काम किया है और पिछली बार मैं लाखन माजरा से मैं डेलीगेट था। डेलीगेट चुनते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और मैं उससे पहले भी था अनेकों बार जी। मेरे लिए डेलीगेट कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मेरा अपमानित करने की कोशिश की है, सीनियर मोस्ट आदमी आज कहीं नहीं, और जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं 90% उन्होंने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है, और असली कैप्चर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके बेटे ने कर लिया है। जो पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी होती थी वो आज एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। और ये फिर कहते हैं हम सत्ता में कैसे आएंगे, आम आदमी की सुनाई नहीं कोई, बेटा जो फैसला करता वो उसी पे प्रधान, जो हमारा प्रधान है उदय भानु, वो बेचारा शरीफ आदमी है, उससे किसी वो चीज़ पे दस्तक करा लेते हैं। तो आज जिस प्रकार से ये पार्टी को उन्होंने अपने जेबी पार्टी बना लिया है, मेरा उसके खिलाफ आवाज़ है। आप कांग्रेस पार्टी में रह के ही कांग्रेस की बगावत कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर नहीं कर रहे आप? देखिए, जब कांग्रेस का बुरे से बुरा टाइम था ना, मैं उस समय गांधी परिवार के लिए जेल में गया था। इंदिरा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया, मैं उसके साथ फरीदाबाद तक गया था जब पुलिया पर वो बैठी थी रात को 10 बजे, और मैं इंदिरा गांधी के लिए भी जेल में गया, उसके बेटे संजय गांधी के लिए भी जेल में गया, और मैं अलग अलग आंदोलनों में बहुत बार जेल में गया हूँ। आज मेरे जैसे आदमी को भी इनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मुझे ये बना दो, तो ऐसी 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 राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ। डेलीगेट्स बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया है क्या? यही बना रहे हैं अपनी मर्जी से, जिसको चाह रहे हैं बना रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं हटा रहे हैं। आज तक लिस्ट आउट नहीं की, एन मौके पे लिस्ट आउट करेंगे ताकि लोग विरोध ना करें। मुझे पता लग गया, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ, और विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से सीनियर मोस्ट, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, मेरे से सीनियर कांग्रेस में कोई आदमी भी नहीं है। मैं और सुभाष बेदा दो सीनियर मोस्ट हैं, दोनों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। हमें इस बात का गम नहीं है कि हम बहुत छोटी पोस्ट है हमारे लिए, हमारा जो हम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे लिए ये डेलीगेट क्या है, कुछ भी नहीं है। और ना हमें कांग्रेस का कोई पद चाहिए, ना हमने कभी किसी को कहा, हमने कभी नहीं किसी के आगे कहा कि हमें ये पद दे दो। पद से ऊपर हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, हम लोगों से लोगों के अंदर रहते हैं, उससे बड़ा पद कोई भी नहीं है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस का कार्रवाई कारगुजारी हो रही है, हम उसके खिलाफ हैं। आज की जो प्रेस वार्ता रही वो लगभग उसमें आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर हावी रहे, हमलावर रहे, क्या कारण था? मतलब इन दो लोगों से ही आपको लग रहा है कि ये दो लोग कांग्रेस को खराब कर रहे हैं? देखिए, इन दो लोगों ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है जोड़ तोड़ करके, जैसे तैसे करके, हालात के हिसाब से। एक G23 बना लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसका दबाव डाला कि G23 खिलाफत करेगी। पहले खिलाफत करते थे जी, इनको कुर्सियाँ मिल गई, इनकी खिलाफत बंद होगी, नहीं तो यही G23 सोनिया जी का भी खिलाफत करते थे, राहुल जी की भी खिलाफत करते थे। अब इनको इनकी पसंद का प्रधान बना दिया, इनकी पसंद का CLP लीडर बना दिया, खुद ये CLP लीडर बन गए। और बेटा इस समय पूरी तरह से हावी है। बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बेचारे अब वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, अपने बेटे को आगे लाना चाह रहे हैं, उसके लिए सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस को वो सत्ता में लाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इन हालात में कभी सत्ता में आए। पीछे भी कांग्रेस ने 10 साल सत्ता में रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौरान तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। उस वक्त जो नौकरियों में बंदरबांट हुई है, एक एक परिवार के तो 10-10 लोगों को मिल गई, उनके 10-7वीं पीढ़ी के रिश्तेदारों को भी मिल गई, और 500 परिवार ऐसे हैं जिनको एक नौकरी भी नहीं मिली। ये किस हलके की बात? ये किलोई हलके की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, किलोई हलके में? किलोई हलके के अंदर बड़ा भारी रोष है,
कलोई के लोग वोट तो दे रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, कोई सामने कोई खड़ा होने वाला है नहीं जी। और भूपिंदर और उसका परिवार की ये रिकॉर्ड है, 8 बार ये एमपी रहे 1991 से लेके अब तक जी, 5 बार एमएलए रहे, कभी वोट लेने के बाद लोगों का धन्यवाद तक करने नहीं गए। आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, क्या आप आज भी उस पर कायम हैं और चुनाव लड़ेंगे? मैं कह रहा हूं अगर ये हालात नहीं बदले तो निश्चित तौर में मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये बातें आपने जो पार्टी का संगठन है संगठन के सामने रखी हैं कि ये कांग्रेस को खराब कर रहे हैं इस तरह, ये सारी बातें हमने रखी हैं, अब और रखेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं दिसंबर में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों को लेके जाएंगे, उनको बताएंगे हम राहुल गांधी को कि असली हुड्डा कृष्णमूर्ति हुड्डा है, ये दूसरे असली हुड्डा नहीं है। तो नकली हुड्डा कौन हो गया फिर? आपको पता ही है जो नकली हुड्डा है, आप बता ही दिया मैंने आपको, और उनको बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने पार्टी को कैप्चर किया है और ये एक परिवार की पार्टी बन के रहेगी, परिवार से आगे नहीं निकल रहे। और देख लेना कितना बुरा हशर होगा इनका, आप देख लेना आदमपुर चुनाव में कांग्रेस का क्या हशर होगा, जिस प्रकार से ये मनमर्जी कर रहे हैं, धींगा मस्ती कर रहे हैं, मतलब जिसको मर्जी डेलीगेट बना देते हैं, जिसको मर्जी हटा देते हैं, ये ढींगा मस्ती अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पार्टी के अंदर रह के पार्टी के खिलाफ बगावत करना, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत करना, क्या ये गलत नहीं है या क्या ये सही है, आप क्या मानते हैं इसको? मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पार्टी छोड़ कर चले गए थे बीच में, मैं पार्टी मैंने अपने खून से पार्टी को सींचा है और सीनियर लीडरशिप में विश्वास करता हूं मैं। जिस प्रकार से आज पार्टी चल रही है इस प्रकार से पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये लोगों को हाई कमांड को डरा के, हाई कमांड को ब्लैकमेल करके जिस प्रकार से ये सारे मामले अपने पक्ष में कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। अभी चुनाव आने हैं, आदमपुर का चुनाव आएगा, उसके बाद और चुनाव आएंगे, उसके रिजल्ट के बाद फिर फैसला होगा कि असली हरियाणा कांग्रेस का हेड कौन है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा इतने ताकतवर हैं कि हाईकमान को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं? आज तो वो सब कुछ कर रहे हैं, आज तो वो इतना जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने गोटियाँ खेल रहे हैं, अपनी मर्जी, अपनी मन की मर्जी, और अपने फैसले अपने पक्ष में करवा रहे हैं। वरना शैलजा जी का क्या था, उनको किन हालत में हटाया? उनकी लीडरशिप में कांग्रेस की 14 से 31 सीटें आई और कांग्रेस दिन पे दिन मजबूत हो रही थी, क्यों हटाया गया उनको, उनका क्या कसूर था? लेकिन इनके प्रेशर में आके हाईकमांड ने हटाया, जो कि मैं गलत मानता हूँ। एक कांग्रेस के संगठन को लेकर प्रदेश में लगातार बातें रहती हैं, इससे पहले अशोक तंवर अध्यक्ष से संगठन नहीं बना पाए, कुमारी शैलजा अध्यक्ष से संगठन नहीं बना पाई, अब उदय भान को अध्यक्ष बनाया गया है, क्या वो संगठन बना पाएंगे, क्या लगता है आपको? अगर 36 बरादरी को साथ लेके चलेंगे, सभी लोगों को नेताओं को साथ लेके चलेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला था, मुझे खाने पर बुलाया था उन्होंने आज से 1.5 महीना पहले, मैंने कहा था कि जब तक कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ये लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। आज हर पार्टी वर्कर के अंदर रोष है, आज हर पार्टी वर्कर इनकी जो धींगा मस्ती है उससे दुखी है। तो ये तो मोदी से मिले हुए हैं, आज 8 साल हो गए मुझे, एक बताओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान मोदी के खिलाफ आया हो तो। किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक शब्द मोदी के खिलाफ नहीं आया। ठीक है, 8 साल में अगर ये एक शब्द बोलते तो मैं भी इनके पक्ष में हो जाता, लेकिन ये मोदी से मिलके कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल और है, हाल फिलहाल में गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? गठबंधन सरकार फेल हो चुकी है, उनका लोगों का विश्वास टूट चुका है, उसको लोग बदलना चाहते हैं। अल्टरनेटिव अगर कांग्रेस सही ढंग से अगर चलेगी तो कांग्रेस आ सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ये चल रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस कभी नहीं आएगी। कांग्रेस भी नहीं आएगी और गठबंधन सरकार फेल है, तो फिर आने वाला समय किसका है भाई? आने वाला 6 महीने पहले देख लेना नए समीकरण बनेंगे, उन नए समीकरण में जिसको लोग पसंद करेंगे वो आ जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेता हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा, पूर्व में मंत्री रहे हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बागी हो गए हैं कि वो गलत कर रहे हैं। बाप बेटे के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आरोप ऊपर आरोप है कि उन्होंने पार्टी को कैप्चर कर लिया है और हाईकमान को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है, वीडियो को शेयर करते रहें, तस्वीरें आप iBin24 पर रोहतक से देख रहे हैं और कृष्णमूर्ति हुड्डा के जवाबों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यहां तक आ ही गए हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।